हेलो गाइस, इट्स बीन जोशी दिस साइड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉफिट वेज फॉर क्रेजी पैसिव इनकम, यानी ऐसे 8 वेज जिनको यूज करके आप क्रेजी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। अब पैसिव इनकम क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। ऐसी इनकम जिसमें आप काम ना करें जब भी आपके पास पैसा है, यानी आपने एक बार पाइपलाइन बना के छोड़ दी, एक बार आपने अपना सिस्टम बना के छोड़ दिया, उसके बाद अगर आप काम ना भी करें जब भी आपके पास पैसा आए, ये होता है पैसिव इनकम। और एक इंसान के पास एटलीस्ट 3 से 4 पैसिव इनकम सोर्सेस तो होने चाहिए। जैसे आप कोरोना की सिचुएशन में हम देखें तो कोरोना की सिचुएशन में बहुत से लोगों ने अपनी जॉब खोई है, बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल एक इनकम सोर्स था, उनका जॉब। और अगर वो जॉब जब उनका कोरोना के टाइम पे चला गया तो लोग बिल्कुल स्ट्रगल करने लग गए थे। अगर उससे पहले वो 3-4 पैसिव इनकम सोर्सेस बना लेते तो वो इस तरह स्ट्रगल नहीं करते। अब ये दोस्तों वही चीज़ है, अब आगे हम आगे के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर बाई चांस फिर से कोरोना वायरस आ जाता है या फिर कुछ और भी आ जाता है, अगर नहीं भी आता है फिर भी हम जो है हमारे पैसिव इनकम के सोर्सेज तो हमको बना के रखने ही चाहिए, तो बाकी हमारी नीड्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो ड्रीम्स है वो भी पूरे हो सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट से हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं। मान लीजिए हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो उससे हम दो तरह से पैसे कमा सकते हैं, फर्स्ट डिविडेंड से और सेकेंड प्राइस से। अब जैसे डिविडेंड से कई कंपनीज जो है वो शेयर पे हमें डिविडेंड देती है, जैसे हर टोटल टाइम में जैसे वो पैसे हमारे अकाउंट में भेजती रहती है, वो होता है डिविडेंड। और सेकेंड होता है प्राइस, यानी जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ जाए, यानी 100 से 200 हो जाए, 200 से 300 हो जाए, जो शेयर का प्राइस बढ़ जाए वो उस तरह से भी आपकी पैसे इनकम हो सकती है। उससे आप जब पैसे निकालवाएंगे, जब आपके पास जो है पैसे हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। शेयर मार्केट के ऊपर अभी हमने पिछला वीडियो बनाया है, इसके अंदर हमने आपको डिटेल में समझाया कि शेयर मार्केट क्या है, वो कैसे वर्क करता है, एक पूरे एग्जांपल के साथ समझाया जिससे 6th क्लास का बच्चा भी जो है शेयर मार्केट को समझ जाएगा। और उसमें हमने ये भी बताया कि आप और मैं शेयर मार्केट से प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिए, लिंक ऊपर आई बटन में गिवन है। अब हमारा जो सेकेंड जो पैसिव इनकम का सोर्स है वो है कंटेंट क्रिएटर, यानी आप कंटेंट क्रिएटर बन जाइए। अब मैं क्या बना रहा हूँ, मैं जो है कंटेंट बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, मैं फेसबुक के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, यानी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। पर कंटेंट क्रिएटर होने के लिए आपको क्या चीज़ें जरूरी है, आपकी पहले आपकी निश क्लियर होनी चाहिए, यानी आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है आपकी वो टॉपिक क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, आपको वैल्यू देनी है अपने ऑडियंस को, यानी आपके जो ऑडियंस जो आपके व्यूअर्स हैं उनको आपको वैल्यू वाला कंटेंट देना है, यानी वैल्यूएबल कंटेंट देना है, जिसमें अगर आपके वीडियो पे कोई आए, कोई व्यूअर आए तो उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा या फिर आपको फॉलो करेगा और आपका चैनल ग्रो होगा। ये दोस्तों एक थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है कंटेंट, यानी आपको कंटेंट की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अपने व्यूअर्स को देना है। अब दोस्तों जैसे बहुत से जो चैनल है जो इंडिविजुअल्स भी चला रहे हैं, बहुत से ऐसे चैनल जिस पे पूरा बिजनेस चल रहा है और उससे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। आपको फिर रोड मैप बनाना है, आपके पूरा रोड मैप तैयार करना है कि आपको कैसे कैसे कौन सा कंटेंट प्रोवाइड कराना है। मैंने आपके लिए रोड मैप बना रखा है कि मेरे को इस चैनल पे कौन कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, उसी तरह से आपको भी रोड मैप बनाना पड़ेगा कि आपको किस तरह से जो कंटेंट प्रोवाइड करवाना है। अब मैं जो आपको बता रहा था कि बिजनेस और इंडिविजुअल्स वाला, तो जैसे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यूट्यूब पे इंडिविजुअल्स जैसे अमित बडाना, बीबीके वाइंस, कैरी मिनाती, अंशुमन जोशी, अमित जो है इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। बट अब जैसे कई बिजनेस भी चल रहे हैं यूट्यूब पे, जैसे द ललन टॉप आप देख सकते हैं, टी सीरीज जो इतना पूरा एम्पायर अपना बना रखा उन्होंने यूट्यूब पे, यूट्यूब से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो यूट्यूब पे पूरा पूरा अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो आप कंटेंट क्रिएटर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, उसी को आप बाद में अपने जो है बिजनेस की तरह यूज ले सकते हैं, आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड हमारा जो सोर्स है पैसिव इनकम का, वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये थोड़ा थोड़ा सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, उससे दोस्तों आपको बहुत अच्छा इनकम कमा सकते हैं। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है काइली जेनर। दोस्तों काइली जेनर जो है वो अमेरिका की रहने वाली है, दोस्तों एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत अच्छे खासे फॉलोवर्स है, और उसी का यूज करके उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च करा काइली कॉस्मेटिक्स का। उससे उन्होंने क्या करा, उस काइली कॉस्मेटिक्स के जरिए अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते उसका ऐड करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। आप सोच सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कितनी पावर है, यानी उन्होंने इसका यूज करके अपने ब्रांड लॉन्च करा, उसके बाद इन्हीं लोगों को बेचा और अब अमीर महिला बन गई है। आप समझ सकते हैं इसमें कितनी पावर है। तो यानी आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आप बन सकते हैं। मैं ऐसे आपको बताऊं जो कई आपके लिए अभी एप्लीकेबल नहीं हो सकते, जो आप फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं, और कई आपके लिए तुरंत से अभी एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ जो सोर्स है वो है बिकम एफिलिएट पार्टनर।
यानी आप एफिलिएट पार्टनर बन सकते हैं। लोग एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत पैसा कमा रहे हैं। आप कई जो ऐसे ब्रांड्स हैं उनके एफिलिएट पार्टनर बन सकते हैं, जैसे अपस्टॉक्स के आप एफिलिएट पार्टनर बन सकते हैं, फाइव पैसा के बन सकते हैं, अमेजोन के बन सकते हैं, फ्लिपकार्ट के बन सकते हैं, आप एंजल ब्रोकिंग के बन सकते हैं, शॉपक्लूज के बन सकते हैं, क्लिक बैंक के बन सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे जो है प्लेटफॉर्म है जिनके आप एफिलिएट पार्टनर बनके पैसा कमा सकते हैं। अब एफिलिएट पार्टनर बनके आपको क्या होगा, एफिलिएट पार्टनर बनने से क्या होगा, आपको ना ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ना ही आप कस्टमर सर्विस देनी है, आपको खाली क्या करना है, जो प्रोडक्ट उठाना है उसकी लिंक उठानी है, कस्टमर के सामने प्रमोट करनी है। अब ये जो पॉइंट है ये सेकेंड और थर्ड पॉइंट से इंटर रिलेटेड है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर देखे होंगे जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, लगभग सब करते हैं। जैसे वो आपने देखा कई बोलते हैं कि अगर आपको बुक्स खरीदनी है, अगर आपको लाइट खरीदनी है, सेटअप खरीदना है, ये माइक खरीदना है, ये कैमरा खरीदना है, कुछ भी खरीदना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे खरीद सकते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि नीचे जो लिंक दी हुई होती है उनकी एफिलिएट लिंक होती है, इससे अगर आप जाके कुछ भी खरीदते हैं तो उस पर जो है उनको प्रॉफिट मिलता है। तो लगभग हर यूट्यूबर जो कंटेंट क्रिएटर जो है वो क्या करता है, एफिलिएट मार्केटिंग करता है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनके भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत तगड़े एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो आपके पास पूरी कम्युनिटी होगी जिसके जरिए आप अपने पूरे अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। आप उनके सामने प्रमोट करेंगे तो आपका बहुत सारी सेल हो जाएगी। तो आप ये था फोर्थ पॉइंट, बिकम एफिलिएट पार्टनर। हमारा फिफ्थ पॉइंट है सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, यानी आप डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। अब अपने डिजिटल प्रोडक्ट बनाएंगे, उनमें क्या होता है कि एक बार इन्वेंटरी कॉस्ट लगती है, यानी बनाने का खर्चा सिर्फ एक बार आता है, उसको आप कितनी बार बेच सकते हैं, ये सबसे बढ़िया काम है डिजिटल प्रोडक्ट्स का, कि आपका जो बनाने का खर्चा है वो ज्यादा नहीं आता है। आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बेच सकते हैं, कोर्स बेच सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम बेच सकते हैं, अपने वेबिनार को आप कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब दोस्तों मैंने कई जनों को देखा है, कई जो छोटे छोटे बच्चों को देखा है जो नोट्स बेचते हैं, यानी उन्होंने अपने नोट्स बनाए अमेजोन किंडल पे जो फ्री पब्लिशिंग होती है, उन्होंने फ्री में पब्लिश कर दिया। मान लीजिए उन्होंने 50 रुपए का जो है अपना बनाया, 50 को मान लीजिए उनको 100 लोगों ने भी खरीद लिया तो 5,000 रुपए उन्होंने कमा लिए। अभी 5,000 रुपए बड़ी बात नहीं है, पर अगर अभी कम एज है, मान लो 14-15 एज है इसकी, और इसने अगर 5,000 रुपए कमा लिए इससे, तो इसको इसके पोटेंशियल के बारे में पता चल गया कि ये जो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके हम कितना कमा सकते हैं। अब इसको इसका पोटेंशियल पता चल गया तो ये 5,000 को 50,000, 5 लाख या 50 लाख होते टाइम नहीं लगाएगा, यानी उसको पता चल गया कि डिजिटल प्रोडक्ट से भी अर्निंग हो सकती है। तो ये था। और बहुत से दोस्तों जैसे कोर्स हो गया, आप अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। आप किसी फील्ड में अगर एक्सपर्ट हो, मान लीजिए उस पर आप थोड़ा सा अध्ययन करिए, मान लीजिए जैसे आप फाइनेंशियल नॉलेज पे एक्सपर्ट हैं, उस पर मैं थोड़ा अभी सीख रहा हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ और मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप इस फील्ड में एक्सपर्ट है तो आप अपना कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल एजुकेशन में बिल्कुल एक्सपर्ट है, तो आप उसका अपने कोर्स रिकॉर्ड करिए, पूरा कोर्स आप अच्छे से रिकॉर्ड करिए। उसके बाद क्या करिए, अगर मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का कोर्स करी, कोर्स जो है अपना बेचने के लिए निकाला, आपकी एक बार इन्वेंटरी कोर्स लगी, जो लगी एक बार उसको साइड में करते हैं, और अगर 5,000 मान लीजिए आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, आप कंटेंट क्रिएटर हो गए, और आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे मान लीजिए 10 लाख फॉलोअर्स है या फिर 1 मिलियन फॉलोअर्स जिनको हम बोलते हैं वो है, अगर आपने पूरी अच्छे से मेहनत करी, पूरी वैल्यू प्रोवाइड करी, तो इतने होने में टाइम नहीं लगेगा। और मान लीजिए आपके उतने, और अगर उतने में से खाली 2,000 लोगों ने अपने 5,000 रुपये का आपका कोर्स खरीद लिया, तो आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। समझ रहे हैं आप, यानी 1 करोड़ कमाना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपको अपना माइंड सेट है उसको थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, उसको बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। अगर देख लीजिए आप 1 लाख, अगर 10 लाख लोगों में से खाली 2,000 लोगों ने भी आपका कोर्स खरीद लिया, तो आप 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। यानी इसमें बहुत पावर है, डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत पावर, क्योंकि इनमें ना ही तो आपको इसे डिलीवरी का कुछ टेंशन, ना ही आपको ज्यादा कुछ प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करना, पैकेजिंग का कुछ भी झंझट नहीं है। खाली आपको एक बार रिकॉर्ड करने की जो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी वो लगेगी, वो भी बहुत लो होती है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है एंजल इन्वेस्टर। आप एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं, यानी कोई जैसे मान लीजिए आपके आसपास के कोई छोटे छोटे लड़के या फिर मान लीजिए 20-25 साल के जो यूथ है, वो कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं और आपको लगता है इनमें पोटेंशियल है, ये बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो आप उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने जो पैसे, अपनी जो कैपिटल है, उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अपोजिट में आप उनसे कुछ शेयर्स ले सकते हैं कंपनी के। उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए बाद में जाके वो कंपनी, अभी आपने 10 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदे और बाद में वो कंपनी के शेयर जाके 100 रुपए के हो जाते हैं, 1,000 रुपए के हो जाते हैं, तो सोच लीजिए आपके जो अमाउंट है वो कितना बढ़ सकता है। तो इसलिए एंजल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आप जैसे जरूरी नहीं है इसके लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना जरूरी है, आप 50,000, 1 लाख से भी कर सकते हैं। आप एक यूट्यूबर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई यूट्यूबर है,
जो यूट्यूबर मतलब यूट्यूब के वीडियो बनाता है या फिर फेसबुक के वीडियो बनाता है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, तो वो उसमें क्या करना है, उसको आप इक्विपमेंट ला के दे सकते हैं, उसके लिए आप लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं, उसके लिए आप पूरा सेटअप तैयार कर सकते हैं, और उसमें एक्सपेंस करके आप उससे शेयर ले सकते हैं, यूट्यूब में भी शेयर ले सकते हैं। और जैसे मान लीजिए 30% उसके शेयर आपने ले लिया, और अगर फ्यूचर में जाके वो 1 लाख कमाता है तो 30,000 आपके, अगर 10 लाख कमाता है यूट्यूब से तो उसके 3 लाख आपके, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करी करी, तो ये जो रिटर्न्स आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे। आया आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको किस तरह से समझाना चाह रहा हूँ। तो एंजल इन्वेस्टर बनके भी आप बहुत अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। अब 7 जो हमारा पॉइंट है वो है रियल इस्टेट, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रियल इस्टेट जो है उसकी लैंड की जो वैल्यू होती है, लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, यानी लैंड की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, लैंड का जो डेप्रिशिएशन वैल्यू है वो 0 है, यानी अभी पिछले 10-15-20-25 सालों में हम देखें तो लैंड बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, लैंड बढ़ी है, लैंड की जो प्राइस है वो एप्रिशिएट ही हुई है, डेप्रिशिएट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब आप सोच सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो है जो हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन रही है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, अब उससे क्या होगा जो लैंड की वैल्यू है उसके, जैसे मान लीजिए ये आपने यहाँ पे लैंड खरीदा, अब इसके आसपास शुरुआत में तो कुछ भी नहीं है, गांव है, बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे अगर फैक्ट्रीज वगैरह लग गई तो आपकी जो लैंड की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट जो कंटिन्यू हो रहा है तो आपकी लैंड की वैल्यू भी जो है कंटिन्यू बढ़ेगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब रियल एस्टेट में कई लोग खरीदते हैं अपार्टमेंट्स, खरीदते हैं फ्लैट्स खरीदते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, अगर आप रेंट के लिए छोड़ते हैं तो आपको मिनिमम मिनिमम 3% जो है एनुअल रिटर्न आना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट का। यानी मान लीजिए आपने 1 करोड़ का जो है अपना अपार्टमेंट खरीदा, 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK कुछ भी हो सकता है, आपने 1 करोड़ का खरीदा, ठीक है, अब आपने क्या उसको रेंट पे छोड़ दिया, आपने सोचा कि इससे पैसे आएंगे, रेंट पे आपने इसको इनकम सोर्स बनाने के लिए छोड़ दिया, और उसमें क्या हुआ अगर आपने रेंट पे इसको छोड़ दिया ये कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको इसमें जैसे 1 करोड़ का अगर आपको 3 लाख रुपए मिनिमम ईयरली अगर आपको नहीं आ रहा है रेंट, तो फिर आपका ये पैसे फंस गए हैं, यानी अगर आपको 3% भी एनुअली रिटर्न नहीं आ रहा है तो ये पैसे आपके फंस गए हैं, आपने गलत इन्वेस्टमेंट करी है। आपको मिनिमम टू मिनिमम 3 लाख रुपए जो है सालाना का जो रेंट आना चाहिए, यानी लगभग 20-25 हजार रुपए महीने का जो रेंट आना चाहिए, तभी आपकी वर्थ इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर 3% से अगर 5% तक आता है, फिर 5%-6% तक आता है तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मतलब ये जो है आपकी बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर 5-6% अगर आता है तो ये वर्थ इन्वेस्टमेंट है, ये आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है। और अगर इसके 3% भी नहीं आता है एनुअल रिटर्न, या तो इस जो प्राइस की इतनी वैल्यू नहीं है, आपने ज्यादा पैसे दे दिए उस लैंड के, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरह से आप उसका पैसा बना सके, ये सब कैलकुलेशन दोस्तों जो फ्लैट खरीदने से या फिर जो अपार्टमेंट खरीदने से पहले के कैलकुलेशन है, आप उसको एक एसेट की तरह यूज में लेना, ना कि लाइबिलिटी की तरह में। अगर आप 3% भी लेते हैं, जब भी वो 20 साल में जाके आपका जो है जो फ्लैट है वो फ्री होगा, 20 साल में जाके आपको फ्लैट फ्री होगा, अगर आप 3% भी लेते हैं तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप समझ सकते हैं कि लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। वैसे हर 11 महीने में जो है रेंट का जो एग्रीमेंट है वो रिन्यू होता है, उसमें आप लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट करके आप दिखा सकते हैं, रेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं, वो आगे की बात है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि 7th मार्च का पॉइंट है वो है रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट। हमारा 8th जो लास्ट सोर्स है वो है बुक, यानी आप एक बुक लिख सकते हैं। आपको मान लीजिए आप कोई सक्सेसफुल इंसान के ऊपर बुक लिख सकते हैं, आपने खुद की आप जर्नी के हिसाब से बुक लिख सकते हैं, आपके पास अगर कंटेंट है, आपके पास खाली 2 चीज़ें होनी चाहिए एक बुक लिखने के लिए, पहला आपके पास कंटेंट होना चाहिए और दूसरा क्लैरिटी ऑफ सोर्स होनी चाहिए, यानी आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। और अगर आज के टाइम की मैं बात करूँ तो आज के टाइम पे ऐसे कहानियाँ या ये जो जोक्स वगैरह ये बुक्स नहीं चलती, आज के टाइम पे बुक चलती है जो सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी या फिर सक्सेस फॉर्मूला, सक्सेस हैबिट्स, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही है आज के टाइम पे, वो बुक्स ज्यादा चलती है, तो आप वो बुक्स लिखने की कोशिश करिएगा। तो ये था हमारा 8 पॉइंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था मेरा आज का वीडियो, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूँ। 1st पॉइंट था हमारा शेयर मार्केट से आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं, 2nd आप कंटेंट क्रिएटर बन के पैसिव इनकम कमा सकते हैं, 3rd आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के कमा सकते हैं, 4th बिकम एफिलिएट पार्टनर, आप एफिलिएट पार्टनर बन के कमा सकते हैं, 5th डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके आप कमा सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर बन के आप कमा सकते हैं, आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं, जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आप बुक लिख के पैसिव इनकम कमा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आया आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम ब्रेक योर लिमिट्स।